मंच पे मौजूद सोरेन जी की धर्म सबको बहुत बहुत उन्नीस सौ नवासी से 1992 तीन साल मैंने नौकरी की। जीटी हॉस्टल में रहते थे, फिर उसके बाद साक्षी फ्लैट्स में रहते थे। तो जमशेदपुर से पुराना नाता है वो मोदी जी जो कहते हैं नाता, वो वाला नाता नहीं, असली वाला नाता है। मैं जेल से सीधा आप लोगों के बीच में आ रहा हूं, जेल से सीधा आप लोगों के बीच में आ रहा हूं। और एक दिन मैं अपनी जेल के सेल में बैठा हुआ था, तिहाड़ जेल के, और मैंने टीवी में देखा, वहां हर सेल में टीवी उपलब्ध है सभी कैदियों को, टीवी में देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने मुझे 21 दिन की मोहलत दे दी कि जाओ और चुनाव प्रचार करो। मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ। मोदी जी ने पूरी कोशिश की, मोदी जी ने पूरी ताकत लगाई कि केजरीवाल को बेल नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन मेरे ऊपर बजरंगबली का आशीर्वाद है, बजरंगबली के सामने मोदी जी की नहीं चली। बजरंगबली के सामने मोदी जी की नहीं चली और मुझे बेल मिल गई, चमत्कार हुआ एक तरह से। और देखिए आज मैं आप लोगों के बीच में आ गया। अब मेरे भाई हेमंत सोरेन जी जेल में हैं और मैं जानता हूं कि झारखंड का बच्चा बच्चा हेमंत सोरेन जी से प्यार करता है। प्यार करते हैं कि नहीं करते? कौन कौन प्यार करता है अपने हेमंत सोरेन से, हाथ खड़े करके बताइए। बच्चा बच्चा हेमंत सोरेन से प्यार करता है। और मैं जानता हूं इस वक्त आप लोगों के दिल पे क्या गुजर रही होगी। मैं आप लोगों का दर्द समझ सकता हूं कि आप लोगों को कितनी पीड़ा हो रही होगी कि आपके अपने हेमंत सोरेन, जिसे आप अपने परिवार का, जिन्हें आप अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं, वो आज एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत मोदी जी ने उनको जेल में डाल दिया। मैं उन्हें अपना भाई मानता हूं, कल्पना जी मेरी भाभी हैं, और मैं देख रहा हूं किस तरह से कल्पना जी ने कमान संभाली है और झांसी की रानी बनके ये यहां से झारखंड से मोदी जी को चुनौती दे रही हैं। मैंने बाहर आके सोशल मीडिया पे इनके कई भाषण सुने और मुझे ये लगा कि जिस मंशा से मोदी जी ने मेरे को और हेमंत सोरेन जी को जेल में डाला था, मोदी जी ने यह सोचा था केजरीवाल को जेल में डाल दूंगा, आम आदमी पार्टी बिखर जाएगी, फिर मैं इनके एमएलए खरीद लूंगा, फिर इनकी पार्टी को तोड़ दूंगा, इनकी दिल्ली में सरकार गिर जाएगी, इनकी पंजाब में सरकार गिर जाएगी। उसी तरह उनसे उन्होंने सोचा था कि मैं हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लूंगा, इनके एमएलए खरीद लूंगा, झारखंड मुक्ति मोर्चा तोड़ दूंगा, इनकी सरकार गिर। उल्टा हुआ भाई साहब, पूरा उल्टा हुआ। जो आदमी गलत काम करता है, अल्टीमेटली एक ताकत है जिसे हम भगवान कहते हैं, भगवान देख रहा है। दिल्ली के अंदर पार्टी के बिखरने की बजाय आम आदमी पार्टी एक परिवार की तरह एक साथ इतनी एकजुट हो गई, हमारे सारे एमएलए, सारे सांसद, सारे काउंसलर, जितने पार्टी के पदाधिकारी थे सब एकजुट हो गए और डबल मेहनत के साथ मोदी जी को हराने में काम करने जुट गए। हमारी दिल्ली की सरकार नहीं गिरी, हमारी पंजाब की सरकार नहीं गिरी। उसी तरह से मैं अभी देख रहा था झारखंड मुक्ति मोर्चा, उन्होंने सोचा था झारखंड मुक्ति मोर्चा को तोड़ देंगे एमएलए, उल्टा हुआ। पूरे झारखंड के अंदर ऐसी ऊर्जा आई है, ऐसी ऊर्जा आई है मोदी जी को हराने के लिए कि पिछली बार तो एक या दो सीट आई थी, इस बार आपको कितनी सीट दोगे?
कितनी सीट दोगे? कसम खा के जानी है आज, 14 की 14 सीट इस बार इंडिया गठबंधन को आनी चाहिए। एक चीज है जो आप लोगों को भी नहीं पता, दिल्ली के लोग, दिल्ली के 2.5 करोड़ लोग हेमंत सोरेन जी के और झारखंड की जनता के तहे दिल से आभारी हैं। क्यों? कोरोना के टाइम में हेमंत सोरेन जी ने व्यक्तिगत तौर पे दिल्ली के लोगों की मदद की थी। हमारे पास ऑक्सीजन नहीं थी, ऑक्सीजन की दिल्ली में बहुत कमी थी, हमारे अस्पताल में बहुत लोग मर रहे थे। मैंने हेमंत सोरेन जी को फोन किया और उन्होंने तुरंत हाथ की हाथ, क्योंकि झारखंड के अंदर कई सारी ऐसी इंडस्ट्री है, टाटा स्टील है और बहुत सारी इंडस्ट्री है जहां ऑक्सीजन पैदा की जाती है, ऑक्सीजन बनाई जाती है, उन्होंने तुरंत मेरे लिए ऑक्सीजन का इंतजाम किया और दिल्ली के लिए ऑक्सीजन रवाना कर दी। तो आज मैं यहां पे हेमंत सोरेन जी को और झारखंड की जनता को, दिल्ली के लोगों की तरफ से संदेश लेके आया हूं। दिल्ली के लोग हेमंत सोरेन जी को कहना चाहते हैं, वी ऑल लव यू, वी मिस यू। उन्होंने हेमंत सोरेन जी को जेल में क्यों डाला? जेल में आदमी क्यों जाता है? जेल में आदमी तब जाता है जब कोई अदालत जांच पूरी होने के बाद, मुकदमा चलने के बाद ये आदेश पारित करती है कि इस आदमी ने ये अपराध किया, ये आदमी दोषी है, इसलिए इसको जेल भेजो, इसलिए जेल जाता है कि नहीं है? कोई अदालत कहती है कि इस आदमी ने चोरी की, इस आदमी ने भ्रष्टाचार किया, इस आदमी ने डकैती की, इस आदमी ने मर्डर किया, इस आदमी ने बलात्कार किया, ये इसका दोषी है, इसको जेल भेजो। हेमंत सोरेन जी के पास खिलाफ कोई आदेश नहीं है अदालत का, एक भी आदेश नहीं है अदालत का, किसी अदालत ने ऐसा ऑर्डर नहीं पास किया कि हेमंत सोरेन दोषी है। कोई अदालत नहीं है जिसने हेमंत सोरेन को दोषी कहा है। अभी जांच चल रही है, 10 साल जांच चलेगी, फिर क्यों हेमंत सोरेन को जेल में डाला? गुंडागर्दी है मोदी की, गुंडागर्दी के तहत जैसे तो किसी भी पक्को को भी पकड़ के जेल में डाल देंगे। ये तो गुंडागर्दी चला दी पूरे। मेरे खिलाफ क्या दोष है? कोई दोष नहीं है, मेरे को किसी अदालत ने दोषी नहीं कहा, मेरे को किसी अदालत ने भ्रष्टाचारी नहीं कहा, किसी अदालत का मेरे खिलाफ कोई आदेश नहीं है, मेरे को पकड़ के जेल में डाल दिया। कल को किसी चंपई जी को जेल में डाल देंगे, इनको जेल में डाल देंगे, किसी को भी पकड़ के जेल में डाल देंगे। ये तो सरासर इन्होंने गुंडागर्दी मचा रखी है। मोदी जी आदिवासी समाज से नफरत करते हैं। हेमंत सोरेन जी केवल झारखंड के नेता नहीं है, हेमंत सोरेन जी पूरे देश के आदिवासी समाज के सबसे बड़े नेता हैं। कहीं चले जाइए आप, मैं गुजरात गया, वहां पे लोग हेमंत सोरेन जी को याद करते हैं। आप मध्य प्रदेश चले जाइए, छत्तीसगढ़ चले जाइए, सारे देश के पूरे आदिवासी समाज के नेता हैं हेमंत सोरेन जी। आ रहा हूं मैं उस पे, आ रहा हूं, चिंता मत कीजिए, आज सभी मुद्दे उठाएंगे। पूरे देश में जितने राज्य हैं, जितने मुख्यमंत्री हैं, सारे मुख्यमंत्री मिला के पूरे देश में केवल एक मुख्यमंत्री है जो आदिवासी समाज से है, हेमंत सोरेन, और उनको भी पकड़ के इन्होंने जेल में डाल दिया। उनके पिताजी शिबू सोरेन ने झारखंड राज्य बनवाने के लिए तपस्या की थी, जेल गए थे, डंडे खाए थे, बहुत संघर्ष किया था। आप लोगों के साथ मिलके, झारखंड की जनता के साथ मिलके शिबू सोरेन ने संघर्ष किया था, बहुत उन्होंने तपस्या की थी। इस दिन, ये दिन देखने के लिए की थी कि एक दिन झारखंड राज्य बनेगा और मेरे बेटे को जेल में डाल देंगे। दुख होता है। और आज शिबू सोरेन जी की, जो मैं पूछ रहा था अभी जब आ रहा रस्ते में, मैंने पूछा चंपई जी से उनकी कैसी तबीयत है, उनकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब है, इतनी ज्यादा खराब है, ऐसे वक्त में तो आदमी को अपने बेटे की जरूरत पड़ती है। मोदी जी ने इतनी भी दया नहीं की कि इतने बीमार बाप की बच्चे को उसके साथ रहने दे ताकि वो उनकी सेवा कर सके।
ऐसी हालत में भी उन्होंने उनके बेटे को जेल के अंदर डाल दिया। तो मैं आज आप सब लोगों से पूछने के लिए आया हूं, मोदी जी ने देश के पूरे आदिवासी समाज को ललकारा है, मोदी जी ने पूरे आदिवासी समाज को चुनौती दी है कि मैंने तुम्हारे नेता को, सबसे बड़े नेता को जेल में डाल दिया, जो करना है कर लो। आज मैं आपसे पूछने आया हूं, हमने चूड़ियां पहन रखी है क्या? चुप बैठोगे क्या? कुछ करोगे? पूरे आदिवासी, पूरी देश के आदिवासी समाज को मोदी जी ने चुनौती दी है, कुछ जो करना है कर लो, मैं तो तुम्हारे नेता को जेल में डालूंगा। 25 मई को और 1 जून को जब वोट डालने के लिए जाओ, इतना बटन दबाना, इतना बटन दबाना कि उसकी आवाज, ये जब बटन दबाते हो आवाज आती है ना पी, वो आवाज मोदी जी के कानों में गूंजनी चाहिए। वो आवाज अभी जैसे भाई ने बात उठाई, राम मंदिर बना, राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, पूरे देश ने जश्न मनाया, हमें भी बड़ी खुशी हुई, हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी का मंदिर बना, हमारे इष्ट देवता का मंदिर बना। लेकिन उस मंदिर का उद्घाटन किसे करना चाहिए था? राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को भी होना चाहिए था, हम इसकी वो नहीं करते, लेकिन उसका उद्घाटन राष्ट्रपति को करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया? राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया? क्योंकि वो आदिवासी है, क्योंकि वो आदिवासी है, इसलिए नहीं बुलाया राष्ट्रपति को। आपका इतना अपमान करते हैं मोदी जी, आपको राम मंदिर में नहीं बुलाते, आपके नेता को जेल में डाल देते हैं। अभी भी अगर चुप रहोगे तो ऐसे ही दमन होता रहेगा। 25 मई इस बार अगर एक भी सीट झारखंड से आई, अगर मोदी जी की एक भी सीट झारखंड से आई, तो ये दमन और बढ़ेगा आने वाले समय के अंदर। मोदी जी सिर्फ आपसे डरते हैं, और हेमंत सोरेन जी वो जेल में रहेंगे कि बाहर आएंगे, ये आपके ऊपर निर्भर करेगा। अगर आप लोगों ने कमल का बटन दबाया तो हेमंत सोरेन को जेल में रहना पड़ेगा, अगर आपने इंडिया गठबंधन का बटन दबाया तो 4 तारीख को नतीजे आएंगे, 5 तारीख को हेमंत सोरेन आपके बीच में होंगे। दोस्तों सोच लेना, चाबी आपके हाथ में है। अगर आपने गलती से कमल का, और ये जितने यहां लोग आए हुए आप सबकी जिम्मेदारी दे रहा हूं मैं, अपने अपने गांव में जाना है, अपने अपने मोहल्ले में जाना है, जाके सबको, पड़ोसियों को बताना है, गली में बताना है, गांव में बताना है, कोई कमल का बटन नहीं दबाएगा। अगर आप कमल का बटन दबाओगे तो आप अपने आदिवासी समाज के साथ, आप अपने झारखंड के साथ धोखा करोगे, विश्वासघात करोगे, पीठ में छुरा घोंपेगा आप अपने आदिवासी समाज को। सबको बता देना कि अगर आपने कमल का बटन दबाया तो हमारा हेमंत सोरेन जेल में रहेगा, और अगर आपने इंडिया गठबंधन का बटन दबाया तो आपका हेमंत सोरेन 5 तारीख को आप लोगों के बीच में, आपका बेटा, आपका भाई आप लोगों के बीच में होगा। इन लोगों को इतना घमंड हो गया, इतना घमंड हो गया, अपने आप को भगवान समझने लग गए ये लोग। भगवान जगन्नाथ को कौन कौन मानता है, हाथ खड़े करो, भगवान जगन्नाथ को कौन कौन मानते हैं, कौन कौन उनकी पूजा करते हैं? भगवान जगन्नाथ पूरी कायनात के, यूनिवर्स के देवता माने जाते हैं, जगतनाथ, जगन्नाथ, जगतनाथ। कल भारतीय जनता पार्टी के जो सबसे बड़े प्रवक्ता हैं संबित पात्रा, उन्होंने कहा कि भगवान जगन्नाथ मोदी जी के भक्त हैं। मैं समझता हूं ये हंसने वाली बात नहीं है, ये बहुत पीड़ादायक बात है, बहुत दुख देने वाली बात है। ये लोग अपने आप को भगवान जगन्नाथ के भी ऊपर समझने लग गए कि मोदी जी
भगवान जगन्नाथ मोदी जी के भक्त है, मोदी जी भगवान जगन्नाथ के भी ऊपर हो गए। इस बार इनको बदला तो मिलना चाहिए, इस अहंकार का तो नीचे लाना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये लोग क्या नारा लगाते हैं, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अरे तुम राम को लाए हो? इस दुनिया में कौन हमें लाया है? भगवान राम हमें लाए हैं। मेरा मैं अगर इस दुनिया में पैदा हुआ तो भगवान जगन्नाथ की वजह से पैदा हुआ, भगवान राम की वजह से पैदा हुआ। इस दुनिया के अंदर भगवान राम ने मुझे जन्म दिया, भगवान राम की वजह से मेरा आज इस पृथ्वी के ऊपर मेरा आना हुआ। और ये लोग कहते हैं मोदी जी भगवान को लाए हैं, ये क्या बकवास कर रहे हैं, इनके अहंकार को क्या हो गया? इस बार बटन दबा के इनके अहंकार को चूर करना है हम लोगों को। और एक बहुत खतरनाक बात हो रही है, इन्होंने कहा 400 सीट चाहिए, 400 सीट चाहिए, 400। इनसे पूछा क्यों चाहिए, क्यों 400 सीट चाहिए, 300 में भी काम चल जाएगा। बोले नहीं मोदी जी को बड़े काम करने हैं। इनसे पूछा क्या बड़े काम करने हैं, कुछ बताओ तो सही। पता चला मोदी जी को रिजर्वेशन खत्म करना है, एससी का रिजर्वेशन खत्म करना है, आदिवासी समाज का रिजर्वेशन खत्म करना है, ओबीसी का रिजर्वेशन खत्म करना है। अगर अपना रिजर्वेशन बचाना चाहते हो, अब जितने भी दिन बचे हैं आप तो वोट दोगे इंडिया गठबंधन को, मेहनत करनी पड़ेगी, रात दिन मेहनत करनी है, सोना नहीं है, घर घर जाके प्रचार करना पड़ेगा और मोदी जी को हटाना पड़ेगा, देश को बचाना पड़ेगा। आज मैं दिल्ली से आया हूं, मेरा स्वार्थ इतना कह लीजिए कि मैं अपने भाई हेमंत सोरेन के लिए आया हूं, लेकिन आज मैं झोली फैला के आप लोगों के सामने देश को बचाने की अपील करने के लिए आया हूं। अगर मोदी जी दोबारा आ गए, देश नहीं बचेगा, संविधान नहीं बचेगा, बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को खत्म कर देंगे, ये लोग रिजर्वेशन खत्म कर देंगे। और रिजर्वेशन नहीं बचेगा तो आप सोच सकते हो कि एससी समाज का, इस आदिवासी समाज का उसके बाद क्या होगा। तो पूरे तन मन धन से, ये चुनाव कोई मामूली चुनाव नहीं है, ये चुनाव भारत के अस्तित्व का चुनाव है दोस्तों। और पूरे देश में इस टाइम इनके खिलाफ माहौल है। मुझे 21 दिन दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, इन 21 दिनों में मैं पूरे देश में घूम रहा हूं, पूरे देश में घूम रहा हूं। मेरी पूरी कोशिश है जितना कोशिश करके रात दिन इनकी जितनी सीटें कम कर सकूं करूं। तो मैं पंजाब गया, कुरुक्षेत्र गया, हरियाणा गया, भिवंडी गया, बंबई गया, लखनऊ गया, आज जमशेदपुर आया हूं। चारों तरफ जनता इनसे बहुत नाराज है, इतनी महंगाई हो गई, इतनी महंगाई हो गई, लोगों के घर के खर्चे नहीं चल रहे, पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, गैस महंगी हो गई, खाने का सामान महंगा हो गया, दूध महंगा, हर चीज महंगी हो गई। और कमाई है नहीं, कमाई बढ़ नहीं रही है, बच्चे डिग्री कर करके घर में बैठे हैं। पूरे देश में इस टाइम इनके खिलाफ माहौल है। 4 तारीख को मैं आज, आप लिख लीजिए, मोदी सरकार वापस नहीं आ रही है, पूरा देश इनको हराने के लिए लगा हुआ है। 4 तारीख को इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और मैं उम्मीद करता हूं कि 5 तारीख को मेरा भाई हेमंत सोरेन जेल से वापस आएगा। और मेरे को भी ये कह रहे हैं 2 तारीख को जेल जाना पड़ेगा, लेकिन अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो मैं भी जेल से बाहर होऊंगा, आप लोगों के बीच में होऊंगा। आप सब लोगों से विनती करता हूं कि यहां के जो कैंडिडेट है मोहंती जी, उनको भारी बहुमत से आप तीर कमान का बटन दबा के जिताइएगा। और आज भगवंत मान साहब भी आने वाले थे मेरे साथ, लेकिन उनके पंजाब में कई सारे कार्यक्रम लगे हुए थे, उन्होंने आपके लिए शुभ संदेश भेजा है पंजाब से। लेकिन 4 तारीख को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने के बाद मैं और भगवंत मान साहब आप लोगों का शुक्रिया अदा करने के लिए आपके बीच में जरूर आएंगे। भारत माता की।